हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी के सैनी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड बीएसटीसी से संबंधित जो लेसन प्लान होते हैं, जो इंटर्नशिप के दौरान आपको बनाने होते हैं डायरियों के अंदर, वो लेसन प्लान आप किस तरीके से बना सकते हैं, क्या फॉर्मेट रहेगा, वो आप आपकी जो कॉलेज होती है उसके अंदर आपको पता चल गया होगा माइक्रो टीचिंग के दौरान कि किस तरीके से आपको लेसन प्लान बनाने होंगे। अब दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस से संबंधित जो लेसन प्लान की, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्रकाश स्रोत और प्रकाश की उत्पत्ति, और सब्जेक्ट रहेगा विज्ञान, जिसके अंदर भी भौतिक विज्ञान आपको यहाँ पर जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले विद्यालय लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे, कालांश लिखेंगे, कक्षा, प्रकरण और समयावधि, जैसा कि नॉर्मली फॉर्मेट होता है। उसके बाद में उद्देश्य की बात करेंगे। हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का जो पैटर्न है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रकाश स्रोत जो टॉपिक है वो तो सबके पास सेम रहेगा, टीचिंग पॉइंट इसके सब सेम रहेंगे। जो इसके क्वेश्चन होते हैं बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, वो आपके अलग अलग हो सकते हैं, बाकी आप इस लेसन प्लान से आइडिया लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य रहेगा पहले नंबर का ज्ञानात्मक, छात्र प्रकाश स्रोत के स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड है छात्र प्रकाश स्रोत का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। नेक्स्ट है अवबोध, छात्र प्रकाश स्रोत व प्रकाश की उत्पत्ति का अवबोध कर सकेंगे, छात्र प्रकाश स्रोतों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरे नंबर का है अनुप्रयोग, छात्र प्रकाश उत्पन्न होने की घटनाओं का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं के अध्ययन में कर सकेंगे। नेक्स्ट है कौशल, छात्र प्रकाश के गमन की घटना को चित्र व चार्ट बनाने में दक्षता हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे सहायक सामग्री की, जो कंप्लीट लेसन प्लान है वो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक का। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सहायक सामग्री की हम बात कर लेते हैं। सहायक सामग्री में लपेट फलक, बैटरी, मोमबत्ती, माचिस, पत्थर, तीन गत्ते, चौक, डस्टर और कक्षा उपयोगी जो सामग्री है वो आपको यहाँ पर लेनी है। शिक्षण विधि है प्रयोग प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान, छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है प्रस्तावना से स्टार्ट, जबकि सारी की सारी जो कॉलेज होती है उसके अंदर ये यहाँ से जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा सेम रहने वाला है। छात्र अध्यापक क्रिया, प्रस्तावना के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बनेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन है अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को दूर से देखने पर किस साधन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे बताएंगे बैटरी का, मोमबत्ती का, माचिस का या बल्ब का। नेक्स्ट है बैटरी, मोमबत्ती, माचिस जलाने पर क्या होता है। तो बच्चे बता देंगे अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। वस्तुतः जो वस्तुएं होती हैं वो किसके कारण दिखाई देती हैं, तो बच्चे बता देंगे उजाले के कारण या फिर प्रकाश के कारण। अंधेरे में किसका अभाव होता है, तो बच्चे बताएंगे उजाले का अभाव होता है या फिर प्रकाश का अभाव होता है। जब आप बच्चों से पूछेंगे कि प्रकाश क्या होता है या प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हैं या प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, तो बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे। तो आप उनसे क्या कहोगे उद्देश्य के अंदर, बच्चों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो स्टार्ट हो चुका है, पाठ का विकास या पाठ का प्रस्तुतिकरण। फर्स्ट नंबर का जो टीचिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत में यहाँ पर आप चित्र भी बना सकते हैं, मोमबत्ती का वगैरह का, सूर्य का, जो भी बैटरी का आप चित्र बना सकते हैं प्रकाश स्रोत के अंदर। तो विकासात्मक प्रश्न है पृथ्वी को प्रकाश किससे मिलता है, तो बच्चे बता देंगे सूर्य से मिलता है। रात्रि में प्रकाश किससे मिलता है, तो बच्चे बता देंगे चंद्रमा से, तारे से, ग्रहों से आदि से। जब आप पूछोगे सूर्य चंद्रमा के अलावा हम और किन किन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, तो बच्चे बता देंगे बल्ब का, दीपक का, लालटेन का, मोमबत्ती का। जब आप पूछोगे कि सूर्य चंद्रमा मोमबत्ती आदि सभी क्या कहलाते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो आप उनको बताओगे जिन स्रोतों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिन उपकरणों से हमको प्रकाश प्राप्त होता है वे क्या कहलाते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, तथा बल्ब, दीपक आदि कृत्रिम स्रोत हैं। तो इसे छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब आप ये टॉपिक करा दोगे पहला टीचिंग पॉइंट, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रकाश जिन जिन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है उनको क्या बोलते हैं, तो बच्चे बता देंगे प्रकाश स्रोत उनको बोला जाता है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, और कृत्रिम प्रकाश स्रोत जैसे बल्ब, दीपक, मोमबत्ती।
सेकंड टीचिंग जो पॉइंट है वो रहेगा हमारा प्रकाश के उत्पन्न होने की घटना, प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है। तो इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं छात्र अध्यापक कथन पर। तो ये रहेगा हमारा छात्र अध्यापक कथन, प्रकाश के उत्पन्न होने की घटना। दीपक बल्ब आदि के जलने या गर्म होने के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। दीपक और बल्ब जलने के कारण जो या गर्म होने के कारण जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको ताप दीप्ति बोलते हैं, और घर्षण के कारण चमक या प्रकाश उत्पन्न होता है उसको घर्षण दीप्ति बोलते हैं। तो ये प्रकाश उत्पन्न होने की घटना हो गई। बौद्ध प्रश्न है इससे संबंधित, जैसे बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा ताप दीप्ति। पत्थर को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें चमक उत्पन्न जो होती है ये कौन सी घटना है प्रकाश की, तो बता देंगे बच्चे घर्षण दीप्ति है। प्रकाश उत्पन्न होने की घटनाओं के नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा ताप दीप्ति और घर्षण दीप्ति। तीसरा है प्रकाश का गमन। प्रकाश के गमन के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं विकासात्मक प्रश्न है, जो कि चार्ट के द्वारा आप उनको समझा सकते हैं। चार्ट यहाँ पर आगे दिया गया है, देखिए आपको बता देता हूँ मैं, ये चार्ट यहाँ पर दिया गया है जो कि छोटे कक्षाओं के अंदर आपने देखा होगा, तो इस चार्ट के बारे में ही ऊपर लिखा गया है। जो प्रयोग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश के गमन का। प्रस्तुत चार्ट में ए बी सी क्या दर्शाए गए हैं, तो बच्चे बता देंगे गत्ते दर्शाए गए हैं। गत्तों के बीच में क्या बनाए गए हैं, तो बच्चे बता देंगे छिद्र बनाए गए हैं। तीनों गत्तों को किस स्थिति में रखा गया है, तो बच्चे बता देंगे बिल्कुल सीधा रखा गया है। गत्ते ए के सामने क्या रखा है, तो बच्चे बता देंगे मोमबत्ती रखा हुआ है। गत्ते सी के छिद्र में से देखने पर क्या होगा, तो बच्चे बता देंगे मोमबत्ती हमको दिखाई देगी। यदि गत्ते बी को अब दाएं या बाएं कर दिया जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो छिद्र सी में से मोमबत्ती को देखने पर क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चे बता देंगे मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी। इस स्थिति में मोमबत्ती क्यों नहीं दिखाई दी, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, जो कि प्रयोग के द्वारा आप बता रहे हो। तो छात्र अध्यापक कथन क्या बनेगा यहाँ से, पहले तीनों छिद्र एक सिद्ध में थे जिनमें से देखने पर प्रकाश दिखाई दे रहा था। गत्ते बी को दाएं बाएं या करने पर छिद्र एक सिद्ध में नहीं रहे, इस वजह से प्रकाश दिखाई नहीं दिया, क्योंकि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, रास्ते में बाधा आने पर हमें दिखाई नहीं देता है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर निकल के आया है, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है या गमन करता है। बौद्ध प्रश्न आप यहाँ पर बना सकते हैं, वीडियो को रोककर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम श्यामपट्ट कार्य की। चित्र यहाँ पर आप आराम से बना सकते हैं, तीनों गत्ते आप ले सकते हैं, आँख बना सकते हैं, मोमबत्ती बना सकते हैं, और प्रकाश को सीधी रेखा के अंदर आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य दिखाया गया है। श्यामपट्ट कार्य में दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, ये समय अवधि, ये सारी की सारी यहाँ पर लिखी गई है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश के उत्पन्न होने की घटना, ताप दीप्ति, घर्षण दीप्ति, प्रकाश का गमन, ये सारे के सारे जो टीचिंग पॉइंट है वो यहाँ पर लिखे गए हैं, और कुछ शॉर्टकट के अंदर इनको बताया भी गया है। अब इससे संबंधित कुछ जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्या है वो देखिए। जो पहला क्वेश्चन रहेगा मूल्यांकन प्रश्न के अंदर वो रहेगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोतों के नाम बच्चे लिख देंगे। कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होते हैं वो भी लिख देंगे। घर्षण दीप्ति किसे कहते हैं। मोमबत्ती के जलने की घटना क्या कहलाती है। ताप दीप्ति क्या होती है। और लास्ट में गृह कार्य का प्रश्न। प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वो बच्चे आराम से बता देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो लेसन प्लान है वो आपको अपनी जो इंटर्नशिप के दौरान है वो अपनी डायरी के अंदर बनाने होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे भी आपको इस तरीके से जो लेसन प्लान है वो मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।